नमस्ते एंड वेलकम टू सरिता रूफटॉप किचन गार्डन। और आज ये देखो सुबह सुबह मैं आप लोगों को, कल मैं शाम के वक्त जो है ना थोड़ी सी शॉपिंग करके आई थी अपने गार्डन के लिए, वो दिखा रही हूँ। फूलों का टाइम आ रहा है और इस बार मैंने बिल्कुल भी बीड्स नहीं डाले थे फ्लावर्स के, क्योंकि वेजिटेबल्स में और सफाई वगैरह में मैं काफ़ी बिजी रही, तबीयत भी थोड़ी ऐसी रही। तो फ्लावर्स का मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि इस बार मैं पौध ले आऊँगी अपनी नर्सरी से और उसी से लगाऊंगी। पिछली बार जो है मैंने बीच से फ्लावर्स लगाए थे और मेरे पास जो दिसंबर जनवरी था उसमें 45 तरह के मेरे पास है ना फ्लावर्स थे, और बहुत सारे फ्लावर्स थे क्योंकि पिछली बार गोभी नहीं लग पाई थी मेरी मोर की वजह से, काफ़ी वेजिटेबल्स नुकसान हो गया था। तो फ्लावर्स लगा दिए थे फिर मैंने बहुत सारे, पर इस बार मैंने बीच से कुछ नहीं लगाया है, बस मैं खरीद लाई हूँ कल और कुछ आगे थोड़ा और खरीद लाएंगे, शुरुआत कर दी है मतलब कुछ तो लगाऊं मैं। पिटूनिया आपको पता है फॉरएवर होते ही है, और कुछ डायंथस लेके आई हूँ, कुछ गेंदे भी मेरे पास कम इस बार निकले, हमेशा निकल आते हैं नहीं तो अपने आप ही, और एक कोकोपीट की सिल्ली भी मैं लेके आई हूँ ब्रिक 5 kg वाली, और कुछ मैं हमारे यहाँ सरकारी बीज भंडार है एक थोड़ा सा आगे वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो उससे बीज भी लेके आई हूँ क्योंकि उनके पास बहुत अच्छे क्वालिटी के और सस्ते बीज मिल जाते हैं, और हमेशा मैं अवॉइड कर जाती हूँ जाना, अदरवाइज बहुत आसान है वहाँ से बीज मिलना। तो जो भी देसी वेजिटेबल्स होती हैं सारी, उनके तो बीज मिल ही जाते हैं उनके पास और बहुत अच्छे मिल जाते हैं। तो कल हम लोग वहाँ से बीज भी लेके आए, तो मैं आपको दिखाती हूँ बारी बारी कि मैंने क्या शॉपिंग जो है कल की है। ये देखो, एक तो ये कुछ छोटे पौध लेके आई हूँ मैं, गेंदे के हैं, डायंथस के हैं और गजानिया के हैं। ये तो मैं कुछ पौध लेके आई हूँ छोटी, मुझे पौध लाना ही पसंद है वैसे, पर छोटी पौध उनके पास ज़्यादा थी नहीं कल, तो ये थोड़े बढ़ गए थे, तो ये मैं कुछ डायंथस के कलर्स दिख रहे थे तो ये भी ले आई। पिछली बार मैंने डायंथस बहुत बचाया था अपना, पर है ना गर्मियाँ पूरी बचा रहा वो और बारिशों में वो ख़राब हो गया मेरा, बहुत सारे प्लांट्स थे मेरे पास डायंथस के। तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं वेजिटेबल्स में ज़्यादा बिजी होती हूँ इसलिए मैं बचाने की कोशिश नहीं करूँगी कोई भी फ्लावर प्लांट अगले साल के लिए। और ये देखो आप गेंदे में, बस मेरे को ये बहुत पसंद है पूजा वाले फूल जिनको हम लोग बोलते हैं, तो मैं ये मेरे पास बिल्कुल उगे हुए नहीं है इस बार, अपने आप उगते हैं नहीं तो बहुत सारे, तो मैं कुछ प्लांट्स 4-5 इसके लिए आई हूँ और एक दो ये बड़े वाले गेंदे के ले आई हूँ। और ये देखो पिटूनिया, कलर दिख रहे थे तो बस मेरा मन ललचा ही जाता है पिटूनिया के ऊपर, हालांकि मेरे पास अपने आप भी निकलते हैं काफ़ी पिटूनिया 3-4 कलर के, तो इसमें मैंने कोशिश तो यही की है छांटने की कि उनके पास जितने थे उसमें से सब में से एक एक तो कम से कम आ ही जाए। बहुत ही सुंदर ये फ्लावर्स थे पिछली बार मेरे पास, तो इस तरह से मैं ये 20 के करीब पिटूनिया लाई हूँ, 15 रुपए का पड़ा है जो कि मुझे एक, और ये प्लांट्स भी मेरे को 15-15 रुपए के ही पड़े हैं गेंदे वाले भी, और पौध वहाँ पे 5 रुपए की मिल जाती है। इसके अलावा ये देखो आप, मैं एक ब्रिक कोकोपीट की भी लाई हूँ, तो इस बार ये मैं थोड़ी सी महंगी लेके आई हूँ, 200 रुपए की ब्रिक है ये 5 किलो वाली, हमेशा 150 की मिल जाती है मुझे, पर उसमें थोड़ी सी खारापन मुझे लगता है ज़्यादा होता है, इसलिए मैं थोड़ा अच्छी क्वालिटी वाली ले आई हूँ इस बार, क्योंकि मैंने मिट्टी सारी अपने नीचे भिजवा दी है एक्स्ट्रा जो थी, और अब ये जो फ्लावर प्लांट है ना इनको मैं वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट मिला के, थोड़ा सा हैंगिंग प्लांटर्स भी हैं मेरे पास उसमें लटकाने के लिए चाहिएगा मुझे, तो ये इस तरह से लगा दूंगी मैं, तो हल्का बन जाएगा वो काफ़ी और काम हो जाएगा मेरा। इसके अलावा देखो मैं आपको बीज दिखाती हूँ अब अपने जो लेके आई हूँ मैं, ये देखो धनिया का मेरा एक पैकेट है, बड़ा पैकेट है इसमें बिल्कुल, और जो नर्सरी लाइफ वगैरह से मैंने बीज मंगाया था उसमें बिल्कुल थोड़ा सा धनिया निकलता है, इतना महंगा भी, और इसमें देखो आप ये 30 रुपए का पैकेट इतना बड़ा अच्छा है ना धनिया का मिला है मुझे, और बाकी सारे पैकेट ये देखो आप इतने बड़े बड़े से होते हैं, बहुत सारा इसमें पालक वगैरह होता है, 10-10 रुपए के मिल जाते हैं, तो 10-10 रुपए का हर पैकेट मिलता है, तो पालक मेथी धनिया कुछ मटर मेरे पास नहीं थे नए वाले तो मटर भी लेके आई हूँ मैं, और बहुत ही बढ़िया मूली खत्म हो रहे थे मूली के बीज तो मैं वो भी लेके आई हूँ,
तो आप ये देखो इतने सारे बीज में लेके आई हूँ इसमें, और गोभी फूल गोभी भी खत्म हो रही थी। और अच्छी क्वांटिटी में देते हैं ये, 10 रुपए का एक पैकेट देते हैं, जो बहुत बढ़िया से देखो इतने तो निकलते भी नहीं है हमारे उन पैकेट्स में जितने बीज ये लोग भर के बिल्कुल थैली देते हैं। तो ये सरकारी वाले भंडार जो है उससे ही मैं ले आई थी इस बार। तो पालक मेथी धनिया की जैसे कि बहुत आपको पता ही है जरूरत पड़ती ही है हम लोगों को बहुत ज़्यादा, लगातार मैं भी लगाती रहती हूँ हर 15 दिन में, तो उसकी बीज काफ़ी ज़रूरी थे। कुछ गाजर भी बढ़िया हाइब्रिड बीज आए हुए थे तो वो गाजर के भी लेके आई हूँ मैं। और एक फूल गोभी मेरे पास ख़त्म हो रही थी तो मैं सोच रही थी अभी तो हालांकि टाइम जा रहा है पर अभी 10-15 दिन जैसे बचेंगे तो एक दौर और लगा दूंगी मैं, एक दौर की और लगा दूंगी मैं तो चलती रहेंगी। तो इस तरह से बस आप ये देखो इतने सारे बीज में लेके आई हूँ और बड़े सस्ते हैं, 10-10 रुपए का पैकेट, तो कोई खराबी नहीं होती इनमें और बहुत बढ़िया बीज निकलता है ये, अच्छी इनकी वो होती है। बस ये है कि उनके पास ब्रोकली बीट रूट और ये सब चीज़ों के बीज नहीं मिलते ज़्यादातर, फ्रेंच बीन्स वगैरह की जो देसी वेजिटेबल्स हैं ना बस उसी के मिलते हैं क्योंकि किसान लोग लेके जाते हैं ज़्यादातर, तो यही वाले बीज रखते हैं। तो ये मेरी एक शॉपिंग रही। और एक मैं PVC के स्टैंड्स जो बनाने वाली हूँ उनका भी इंतजाम करके आई, पाइप वगैरह सारा सामान उनका लेके, तो बस अब नेक्स्ट वो भी बनाना शुरू करेंगे हम, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी बहुत जल्दी बना के। तो ये मेरी सुंदर सी छोटी सी शॉपिंग रही कल की, फूलों के कलर देख के दिल खुश हो जाता है ना, और सारे ही कलर के लगभग मुझे लग रहा है इसमें आ गए हैं, कुछ और डिफरेंट होगा तो आगे आ जाएंगे वो। तो बस अब मैं इनको 3-4 दिन तो रहने दूंगी ऐसे ही, उसके बाद मैं इनकी रिपोर्टिंग करूंगी, तो पहले नहीं करूंगी क्योंकि कल बारिश भी हो गई है शाम को थोड़ी सी हमारे यहाँ रात को, तो 3-4 दिन में ये मेरे छत के एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाएंगे तो मैं उसके बाद ही शिफ्ट करूंगी। और इतना टाइम तो मुझे है ना मिट्टी तैयार करने में भी लग जाएगा सब प्लांट्स के लिए। तो बस ये मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी और मैं सारी एक्टिविटीज़ अपने गार्डन की आप लोगों को शो करती रहती हूँ। अगर आपको हमेशा मेरे वीडियोस अच्छे लगते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे नए वीडियोज़ की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और मेरे वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कीजिए प्लीज़। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, नमस्कार।